बिटवा जल्दी नीचे आ। हाँ ग्रैनी, ग्रैनी आप कहाँ हो? अरे मैं नीचे हूँ बिटवा। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। ये ग्रैनी बिना पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाजें लगाती रहती है। अरे कितने देर लगा रहा है, जल्दी आ। आ रहा हूँ। क्या हुआ ग्रैनी, इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों लगा रही थी? कोई खजाना लग गया है क्या? कुछ ऐसे ही समझ ले बिटवा, ये देख। बोट? हाँ, नई खरीद कर लाया हूँ, मस्त है ना? कंगारू सेशन? अरे कंगारू सेशन नहीं, वो जाना, वो कंगारू सेशन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। अब इससे हम अगले हफ्ते घूमने जाएंगे। हाँ ग्रैनी, बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए, इसी बहाने न्यू ईयर की अच्छी शुरुआत भी हो जाएगी और हम लोग मस्त घूम कर भी आ जाएंगे। हाँ बिटवा। रुक, कान खोल के सुन ले, गलती से भी इस बोट को हाथ मत लगाइयो। लेकिन क्यों? क्योंकि बिटवा बोट सिर्फ तेरे ग्रैंडपा को चलानी आती है। ब्रांड न्यू बोट है, अगर तूने कुछ गलती कर दी तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके ग्रैनी, अब हम जाएंगे बोट में घूमने। बाबू बिटवा इधर आना। आ गया जाना। आ गया ग्रैनी। ये ले बिटवा पेस्ट्री खा। अरे वाह ग्रैनी, मेरी फेवरेट पेस्ट्री। हाँ बोट आने की खुशी में मंगवाई है मैंने। वाह ग्रैनी, मजा ही आ गया। बिटवा तुझे रूल्स तो याद है ना, हमारी परमिशन के बिना तो बोट के पास नहीं जाएगा और ना ही बोट चलाने की कोशिश करेगा। तेरे पास बोट चलाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो बोट चलाने के बारे में सोचना भी मत। ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे बोट ले जाने से मना क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं भी बिटवा हूँ, बोट राइड कर कर ही रहूंगा। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ये बोट जरूर छेड़ेगा। चुप कर बुड़ो, मैंने उसे मना किया है ना तो वो बोट बिल्कुल नहीं चलाएगा। बोट चलाने का बहुत मन कर रहा है, देखता हूँ ग्रैनी ग्रैंडपा सोए कि नहीं, फिर जल्दी से जाकर बोट पे गेड़ी मार कर आता हूँ। अरे वाह क्या मस्त बोट है, लेकिन इसकी चाबी नहीं है मेरे पास, ये चलेगी कैसे? चलो कोई बात नहीं, इस पर बैठ कर देखता हूं। अरे शांत हो जा ग्रैनी ग्रैंडपा उठ जाएंगे। ओह नो, अरे ये कैसी आवाज आ रही है? अरे आवाज तो यहीं से आई थी, ये कौन चिल्ला रहा था? कहीं बिटवा तो नहीं? वो नहीं हो सकता, उसको मैंने यहां आने से मना किया था। अरे मुझे नहीं मालूम था कि ग्रैनी ने बोट की निगरानी करने के लिए पहरेदार वहां पे रखा हुआ है। अगर मैंने उसको ग्रैनी के नाम की धमकी ना दी होती तो मुझे कब का कहा जाता? ओह नो, अगर ऐसे ही रहा तो मैं बोट राइड कैसे कर पाऊंगा? लेकिन मैं भी बिटवा हूं, बोट राइड तो मैं कर कर ही रहूंगा। बिटवा अगर तुझे बोट राइड करनी है तो तुझे उसके लिए बोट की चाहिए। अरे लेकिन बोट कैसे चलाते हैं मुझे तो ये भी नहीं आता। एक काम करता हूं, मगरू भाई से पूछता हूं, मगरू भाई इस मामले में एक्सपर्ट है। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी आप तो कुछ दिन ठहर के आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए, कछु काम था का? हाँ मगरू भाई, वो क्या है कि हमारे घर में एक बोट है लेकिन मुझे वो चलानी नहीं आती,
तो सोचा आपकी थोड़ी मदद लेकर आऊं। या सौर भैया जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मगरू भाई, आप मुझे बताइए ना कि बोट को कैसे चलाते हैं। भैया जी, बोट चलाने के लिए ऐसे फर से बोट चल पड़ेगी। थैंक यू मगरू भाई, चलो मैं चलता हूँ। ग्रैनी ग्रैंडपा से छुपते छुपाते यहाँ पर आया हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अरे वाह, मोहकमीत की नई वीडियो आई है, मैजिक पेंसिल एंड राजमहल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं राजमहल पहुंच गई हूँ। मेरा नाम है सिमसिम, मैं एक मैजिक बुक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आशु है। आप लोगों ने देखी क्या? अगर अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के तुरंत बाद देखें। ग्रैनी, ग्रैनी, क्या हुआ बिटवा, इतना उदास क्यों है तू? ग्रैनी, आपने कहा था हम लोग न्यू ईयर के पहले हफ्ते में घूमने जाएंगे। अरे दूसरा हफ्ता भी खत्म होने वाला है, कब जाने वाले हम लोग? आई नो बिटवा, लेकिन तुझे तो पता है ना, तेरे ग्रैंडपा को कोई जरूरी काम आ गया है और मैं भी थोड़ा बिजी चल रही हूँ। और तेरे ग्रैंडपा के बिना हम जा नहीं सकते, क्योंकि बोट चलानी सिर्फ तेरे ग्रैंडपा को आती है। बिटवा, कुछ दिन और रुक जा, फिर पक्का से हम लोग बोट में घूमने जाएंगे। मुझे पता था ग्रैनी ऐसे ही बहाने बनाएगी, इसीलिए मैं मगरू भाई से खुद बोट चलाना सीख कर आया हूं। आगे आगे देखो, होता है क्या। बोट चलाने के लिए मेरे पास सारा सामान आ गया है। चल बिटवा, अब बोट राइड की जाए। लगता है ग्रैनी का पहरेदार सो रहा है, जल्दी से मौके का फायदा उठाया जाए। अरे बोट स्टार्ट होने की आवाज कहां से आ रही मुझे है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वाह, बोट स्टार्ट हो गई। बेटवा, जल्दी नीचे उतर। सॉरी ग्रैनी, अब मैं नहीं रुकने वाला। अरे नहीं, मेरी बोट। लो, गई भैंस पानी में। बाय ग्रैनी, बाय ग्रैंडपा। अरे आगे तो टनल बंद है। बिटवा, इसीलिए मैं तुझे बोट चलाने से मना कर रही थी, क्योंकि अभी टनक बनी ही नहीं है, तो बोट वहां से निकलेगी कैसे? इस हफ्ते टनल बनने ही वाली थी, इसलिए तुझे मना कर रहे थे, लेकिन तेरे कान में तो जू तक नहीं रहेंगी। इसलिए कहते हैं कि बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। हाय गाइस, तो फटाफट से मोहकमीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप भी ग्रैनी की बोट राइड में जाना चाहेंगे, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकमीत।